और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज एनवीएस मैथ्स के ट्रेनिंग का सेशन टू है और इसके पहले हम लोगों ने क्लास वन पढ़ लिया था और आज की जो क्लास टू है ये इस पर्पस से चलाई जा रही है ताकि ट्रेनिंग क्लास में आपको सारी बेसिक चीजें पढ़ा दी जाए। जैसे अगर आप जब भी एक्सरसाइज वगैरह जब भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे एग्जाम के नियर आने पर, तो वहां पर आपको फील होगा कि इन ट्रेनिंग क्लास से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला है। पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद इस बात को बिल्कुल मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो 99.9% होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या चीजें होती हैं, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब किस तरह से हम स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, वर्गमूल अगर हमें फाइंड करना है, स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आपके जो अगर मैं क्लास के हिसाब से देखूं, एनसीईआरटी के जो सिलेबस में पढ़ाया गया है वो आपका जानना बहुत ही जरूरी है। बाकी ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। जो ट्रिक्स वाली वीडियो होती है वो मैं अलग से प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपको क्लास 8 का भी एग्जाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो सबसे पहला जो आता है वो है इसका गुणनखंड विधि। तो देखो बच्चा, गुणनखंड विधि यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखेंगे कि उनको ये ना लगे कि इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। एक्चुअल में होता क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता ही है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना हो कि कोई भी नंबर दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो हम कैसे हम निकालेंगे। देखो, कोई भी संख्या दी होगी तो उसका हम सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो पहला आएगा इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो बच्चे मैथ्स जिनको आती है, ठीक है, उनके लिए भी, और जिनको नहीं आती है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सारी चीजें सीख जाओगे। जिसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका एक और खुद के अलावा कोई और गुणनखंड ना होता हो, ठीक है। तो इनका हम ये करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरे स्टेप में जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उनका पेयर बनाएंगे यानी कि उनका जोड़, ठीक है ना, उनका जोड़ या फिर उनका युग्म, जोड़ा या फिर युग्म ये कह लेते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझेंगे, इंग्लिश मीडियम के भी। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहां से जाकर देख लीजिए। अगर इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। वो फर्स्ट वीडियो भी और यहाँ तक कि ट्रेनिंग सेशन की जितनी भी वीडियोज है सारी की सारी देखिएगा, हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। चलो फिर हम आगे देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी होगा कि जो हम पेयर बनाएंगे है ना उसको हम एक सेट मान लेंगे, ठीक है। क्या होता है? एक सेट जो पेयर होगा उसे हम क्या करेंगे कि वन सेट मान लेंगे। जैसे अभी स्टेप वाइज समझाते हैं कैसे होगा। एक सेट का मतलब कि जो भी जोड़ा होगा, ठीक, जो भी जोड़ा होगा उसे एक सेट मान लेना। अब ये क्या होता है, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। अब ये जो सेट होंगे, ठीक है, जो भी सेट होगा इन्हीं सेट का प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, सेट का प्रोडक्ट हिंदी में लिख देते हैं, चलो, यानी प्रोडक्ट का मतलब जो भी सेट होगा उसका जो गुणन गुणा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा, स्क्वायर रूट। तो यहां पर एग्जांपल अभी कह दो, ऐसे तो कोई बात समझ में नहीं आती, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर मान लो हमें एक नंबर दिया गया 4096, 4096। अब हमें ये दिया गया, ठीक, हमें क्या करना है, बहुत से बच्चों को आता भी होगा। अब हमें यहां करना क्या है कि इनका हमें अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना। सबसे पहले देखो ये कौन सी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे विभाजित होगा। तो अगर देखोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो है इसका वो इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो यानी ये 2 से डिविजिबल है यानी 2 से भाज्य है। तो हम क्या करते हैं, 2 से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 से कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है।
फिर अब यहाँ फिर 8 आया, फिर ये 2 से होगा तो हो जाएगा 2 1 2 0, 2 2 4 2 4 8। फिर 2 से करोगे तो हो जाएगा 2 5 10, 2 1 2 2 2 4। अभी देखो सारी चीज़ें सब में इवन नंबर, सम संख्या आती जा रही है ना, तो इसलिए इसको हम 2 से करते रहेंगे। 2 का देखो तो 2 का कोई और गुणनखंड, 1 और खुद के अलावा कोई और इसका गुणनखंड नहीं है, नहीं है ना कोई फैक्टर, तो इसका मतलब ये क्या अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। अभी यहाँ पर भी ये 2 से होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 4, 1 बचा यानी 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बचा यानी 12 हो गया, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। फिर 2 से कर लो तो हो गया 2 6 12, 2 4 8। अभी देखते रहो सब ये 2 से ही होता चला जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से करोगे 2 1 2, 1 बचा ना 12 हो गया, 2 6 12। फिर 2 से करो 2 8 16। फिर 2 से करोगे 2 4 8, हो रहा कि नहीं हो रहा, तो लास्ट तक चला जा रहा है ना 2 से। फिर ये हो जाएगा 2 2 4, और ये कितना हो गया 2 1 2। तब तक करना जब तक 1 ना आ जाए। अब देखो हमको क्या निकालना था, स्क्वायर रूट किसका, 4096 का। तो हम यहाँ करेंगे क्या, जो हमारा ये आया गुणनखंड, जो हमारा ये फैक्टर आया है, यहाँ पर इनका हम पेयर बनाएंगे, इनका देखो जोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे ऐसे ये जोड़ा बन गया। तो ये जोड़ा बन गया तो ये एक जोड़े को हम एक बार लिखेंगे यानी एक सेट मान लेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2, ये हो गया ना 2, फिर ये एक पेयर 2, फिर ये एक पेयर 2, फिर ये अगला पेयर 2, फिर ये अगला पेयर 2, फिर ये अगला पेयर 2 बन गया हमारा, यह हो गया हमारा स्क्वायर रूट। इसी को मल्टीप्लाई कर लो, इसी का गुणा कर लो, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। तो इसका मतलब 4096 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 4096 का वर्गमूल कितना होगा, 64 होगा। बताओ बात आई समझ में, है ना। ये बहुत ही आसान काम होता है और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आसानी से कर लोगे। दूसरा मेथड क्या होता है बच्चा, दूसरा मेथड जो है वो है आपका भाग विधि, है ना। दूसरा जो तरीका है वो कौन सा मेथड है, भाग विधि, यानी जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। अब ये कैसे करना है, देखो डिवीजन मेथड, अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवीजन मेथड ये कहलाता है हमारा भाग विधि, हिंदी मीडियम के बच्चे भी जानो, इसको बोलते हैं भाग विधि। अब ये कैसे लगेगा, जिन बच्चों को आता है वो भी देखेंगे, भाग विधि में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है डिवीजन मेथड में, लेकिन आज के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो कैसे हमको करना है, देखो जैसे अगर मान लो कि हमको एक संख्या दे दी गई, यही संख्या हम ले लेते हैं 4096, ठीक। तो 4096 ये हमको दिया गया, तो हम इस तरह से इसका कुछ डिजाइन बना लेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक। अब ये जो हमको नंबर मिला है इसका इस साइड से, है ना, लेफ्ट साइड से इसका पेयर देखोगे, ठीक। अब ये सोचोगे कि अगर पेयर नहीं बना तो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी देखो क्या करना। यहां पर हमको क्या देखना है कि हम इसके लेफ्ट साइड से, यहां पर ये एक जोड़ा बन गया, यहां से एक जोड़ा बन गया। अब हमको यहां पर इस मेथड में हमको स्क्वायर टेबल आना चाहिए। स्क्वायर टेबल का क्या मतलब है कि जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये मैंने कल की क्लास में बताई थी आपको। तो सेम वही चीज हमको यहां पर भी यूज करना है। तो स्क्वायर टेबल में अगर देखो तो 40 किसके नियरेस्ट आता है, किसके नियर अबाउट आता है, अगर देखो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का वर्ग 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। अब 49 तो 40 से ज़्यादा हो गया, तो मतलब हम यहाँ तक लेके जाएंगे, 6 × 6 ना, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 36, ठीक ना। 6 × 36 क्योंकि 40 के पार 49 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 40 से कम लेके जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको माइनस कर लेंगे, इसको हम घटा लेंगे। तो 10 − 6 करोगे बच्चा कितना हो जाएगा, 4। भाई 0 − 6 तो होगा नहीं ना, तो इससे 1 कैरी लेगा, इससे एक उधार लेगा, तो हो गया 10 यानी कि 10। तो 10 − 6 4 यानी 10 − 6 हो गया 4। अब ये जो पेयर, हमेशा जब भी नीचे जो भी नंबर यहाँ लिखा जाता ना,
वो हमेशा पेयर ही लिखा जाएगा, ठीक है। सिंगल नंबर ना लिख देना कहीं पर, नाइन लिख दो तो नाइन करके फिर देखो सेवन सेवन या फोर्टी नाइन करके काट दो, ऐसा नहीं होगा। जब भी आएगा इसके नीचे पेयर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये सिक्स और ये सिक्स जो भी होगा, जो भी नंबर यहाँ रहेगा उसी में वो नंबर एक बार ऐड कर देना, तो हो जाएगा सिक्स सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि सिक्स देखो किस किस नंबर में आता है। सिक्स अगर देखोगे तो यहाँ फोर के स्क्वायर टेबल में आता है और सिक्स के स्क्वायर टेबल में आता है ना, बहुत ध्यान समझना। फोर के स्क्वायर टेबल में सिक्स आ रहा है यूनिट डिजिट और सिक्स के स्क्वायर टेबल में, तो इसका मतलब या तो यहाँ पर फोर होगा या तो यहाँ पर सिक्स होगा। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, देखो 100 अगर मान लो यहाँ पर फोर लिखोगे तो इसका मल्टीप्लाई भी फोर से करोगे। अगर मान लो कि यहाँ पर सिक्स लिखते हो, अगर इस जगह पर सिक्स लिखते हो तो इसका मल्टीप्लाई भी सिक्स से ही करोगे, ठीक। अब दोनों को चेक कर लो, फोर फोर जा सिक्सटीन कैरी वन, फोर टू जा एट वन नाइन और फोर वन जा फोर, यानी इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा ना, फोर फोर जा सिक्सटीन कैरी वन, फोर टू जा एट वन नाइन और फोर वन जा फोर, सही तो है, तो 496 यहीं तो हमारा काम हो गया, आ गया ना, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, फोर फोर जा सिक्सटीन, चार चौक सोलह, हासिल है एक, चार दुनिया आठ एक नौ और चार इक्के चार, 496 यही तो हमको लाना था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर फोर लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे, क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 496, अब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा ना, सारी चीज़ें जीरो हो गई। तो इसका मतलब 4096, 4096 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा 64, यानी कि 64। बताओ इतनी बात आई समझ में, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अभी ये सोचोगे कि भाई ये तो पेयर बन गया, अगर पेयर ना बनता तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए भी भाई एग्जांपल है ना, ये भी समझ लो। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन दिया गया 400000 या 47089 ऐसे कोई नंबर दिया गया है ना, 47089 यही तो लिखा ना। अगर क्या करना है तो फिर से वही काम करना, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इस तरह डिजाइन बना लेंगे। अब पेयर बनाना है इधर से, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर नहीं बना। तो अगर पेयर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, कोई अगर पेयर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले इसी को निपटा देना, पहले इसी को सॉल्व, अकेला मिला है मार्क की रहो इसको पहले। तो ये किसकी टेबल में आता है, ये किसकी टेबल में आता है भाई, टू टू या फोर है ना, जो नंबर मैंने क्या कहा, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमको यहाँ पर भी लिखना है। तो कितना हो गया टू टू या फोर, माइनस करोगे तो फोर माइनस फोर कितना हो गया जीरो, तो ये तो काम खत्म हो गया है ना, चाहे क्रॉस लगा लो, आगे स्टेप बढ़ाओ, फिर ऐसे स्टेप बना लो। अब पेयर हमेशा जब भी नीचे आएगा तो हमेशा पेयर आएगा, सेवन नहीं आएगा, क्या आएगा 70 आएगा है ना। और यहाँ पर जो नंबर था उसी को उसी में ऐड करके यहाँ लिखना है, तो टू टू कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो बच्चा यहाँ पर हम कोई जो नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे करके दिखाते हैं, जैसे अगर मान लो हमें ये करना हो 41 into 1 तो कितना हो जाएगा 41, और 42 into 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 84, यानी 84, देख लो ना। तो 84 तो हमारा ज़्यादा हो गया, 84 70 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, 84 जो है वो 70 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी की समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको 1 टाइम लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हम 1 करेंगे और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 41 1 जा 41, फिर घटाओ माइनस कर लो, 10 - 1 हो जाएगा 9 और यहाँ 6 - 4 हो जाएगा 2 यानी 29। अब यह जो नंबर यहाँ था वही नंबर इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो 41 + 1 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, बताओ बात आई समझ में, 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 89 था अब वो यहाँ पर आ जाएगा, 89 यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है बात इतनी। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो 9 है ये किस किस की टेबल में आता है यूनिट डिजिट। अगर 9 देखोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो लिखा था इसमें देखो, तो 9 जो है ये 3 के स्क्वायर टेबल में आ रहा है और 7 के स्क्वायर टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो यहाँ पर 3 होगा या तो यहाँ पर 3 होगा या तो यहाँ पर और यहाँ पर 9 होगा, है ना, करके देखते हैं।
जैसे अगर मान लो 4, 2, 3 × 3 करें तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, यानी 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, यानी 1269। तो ये तो नहीं है। अब हम 7 से करके देखते हैं। तो अगर 7 से करके देखो तो 4 × 2 = 7, ऐसे करें 427 × 7, अगर ये करके देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49, कैरी 4 है ना, 7 × 2 = 14 and 4, 14 and 4 = 18, कैरी 1, 7 × 4 = 28, 129, लो आ तो गया भाई 2989, 2989 आ गया ना, कितनी बार में गया, 7 बार में। तो यहां पर क्या 7 टाइम, तो यहां पर भी 7 लिखोगे और यहां पर भी 7 लिखोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा भैया, मल्टीप्लाई करने पर यही तो आया, तो 2989, और माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 47089 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा, 217। बताओ बात आई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिएगा, मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं उसके भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, तो उसमें आप देखिएगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे ना, तो वो वाली क्लास भी जरूर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो है ना और आप मुझसे पूछना चाहते हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप आकर मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको किसी न किसी वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा आपके नाम के साथ, ठीक है ना। तो चलो फिर अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब एक चीज़ और भी आता है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, है ना, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि ये आपको भी पता रहे कि क्या हम पढ़ रहे हैं। तो हो जाएगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, ठीक। और ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक। जैसे अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा एक इवन नंबर होता है, यानी सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो देख रहे हो ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है, सम संख्या है, और इनका जो वर्ग किया गया वो भी क्या है, एक सम संख्या, यानी कि इवन नंबर आया, ठीक है। दूसरी चीज विषम संख्या का वर्ग, अगर हम विषम का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग हमेशा एक विषम संख्या होती है, जैसे 1 का करोगे तो 1 है ना, 3 का किया तो 9, 5 का किया तो 25, 7 का किया तो 49। तो यहां पर देख रहे हो तो ये सारे के सारे क्या है, 1, 3, 5, 7, ये सारे क्या है भाई, ऑड नंबर्स है ना। तो ऑड नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। बात आई समझ में ना। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या होती है ना, यानी इसका मतलब हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इवन का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, यानी सम संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, एक सम संख्या होगी, और ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा, यानी कि अगर विषम संख्या का वर्ग करोगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा एक विषम संख्या ही होगी। बात आई, क्लियर हुई। उसके बाद दूसरी चीज ये देखो कि अगर मान लो कोई कभी कभी ये आ जाता है पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा स्क्वायर रूट नहीं होगा, हाँ किसका स्क्वायर रूट या नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर समझ लो कि अगर मान लो कोई भी ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट जो है, जिसकी इकाई का अंक क्या हो, 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल जीरो है ना, 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो है, तो ऐसे इनका इकाई का अंक अगर ये यूनिट डिजिट हो, क्या हो, यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर ये सभी हैं बच्चा, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, डेसिमल तो हो ही सकता है, लेकिन अगर सोचो कि पूरी तरह से संख्या मिल जाए कोई,
जैसे हमको 16 का अगर हम देखें तो 16 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 4 होता है, ये मिल गया ना। जैसे हमको 25 का दिखा तो 25 का क्या होता है बच्चा, 25 का क्या होता है 5 होता है, ये मिल गया हमारा ना। लेकिन इस तरह की कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसके इकाई का अंक यानी इकाई का या ये वाला यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 या 0 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात आइए समझ में। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर एक होता है, ये भी जान लेते हैं लगे हाथ ताकि आज का काम हो जाए इस क्लास का, ताकि कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। एक होता है पाइथागोरियन ट्रिक, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी इसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिक। क्या बोलते हैं? पाइथागोरीय ट्रिक। अब ये क्या चीज होती है? बहुत छोटी सी चीज है, केवल एक ही पॉइंट में आपको समझा दूंगा और आप ये समझ लोगे। अगर मान लो कोई भी संख्या इस फॉर्म में हो, है ना, अगर वो सम संख्या है, अगर वो सम संख्या है और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिया हो, 2m, ठीक, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, अगर इस तरह का कोई इवन नंबर, ठीक, तो यानी सम संख्या, तो ये पाइथागोरियन ट्रिक होगा। क्या होगा? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। बात आ रही समझ में? इसके बारे में जैसे अगर मान लो कि कोई संख्या हमको दे दी गई, अगर मान लो कोई भी संख्या दी गई और उसका कहा जाए कि इसका पाइथागोरियन ट्रिक ज्ञात करो, तो हम कैसे निकालेंगे इसका पाइथागोरियन ट्रिक? जैसे एक संख्या हम कोई भी सम ले लेते हैं और जैसे देखो 10, ठीक है ना, तो अगली संख्या क्या होगी पाइथागोरियन ट्रिक का? अगली संख्या क्या होगी? 10। अगर ये 10 दिया गया है, 2m इज इक्वल्स टू 10 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 2m इज इक्वल्स टू 10 है तो m इक्वल्स टू कितना होगा? 5 होगा भाई। 2m बराबर 10 है तो m बराबर 5 ही तो होगा, 2 के 2 तो 5 10, तो यहाँ पर रख लो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 माइनस 1 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। इसका मतलब क्या है कि पाइथागोरियन ट्रिक जो होगा वो कितना होगा? 10, 24 और 26। बताओ, बात आई समझ में? तो पाइथागोरियन ट्रिक जो भी दिया होगा अगर वो सम संख्या हुई तो सम संख्या हमेशा इस फॉर्मेट में होगी। क्या होगी? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। फिर सोचो कि अगर विषम संख्या हुई तो क्या हुई? अगर विषम संख्या होगी तो क्या होगी? तो भाई देखो, अगर ये मैं आपको सीधा फार्मूला बता देता हूँ, इसी पे आप पुट करके आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? अब यहाँ पर देखो, मैं विषम संख्या के बारे में अगर बात करूँ तो विषम संख्या जो होगी वो हमेशा कैसा होगा उसका पाइथागोरियन ट्रिक? देखो, विषम के लिए यहाँ लिख देते हैं ना, तो या विषम के लिए क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिक, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या अगर m हुई, ठीक है, अगर पहली संख्या m हुई तो जो दूसरी संख्या होगी वो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और तीसरी संख्या जो होगी वो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 होगी। ठीक, सेम यही के विषम के लिए ही ये फाइंड करना है। तो आपके लिए आज का जो होमवर्क रहेगा वो है कि पाइथागोरियन ट्रिक आपको बताना है, और मैं आपको दो नंबर दे दे रहा हूँ जैसे होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिनका जवाब सही होगा उनको एक हार्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो होमवर्क ये रहेगा कि अगर मान लो एक संख्या 4, है ना, 4 और 5 दो संख्याएं दे देते हैं, 4 एंड 5 का पाइथागोरीय त्रिक बताना है। क्या बताना है? पाइथागोरीय त्रिक यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना, इसका क्या बताना है? ट्रिपलेट। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आई चीज़ें, अगर नहीं समझ में आई तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वहां पर और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बस इतना ही चीज़ था। एक और चीज़ थोड़ी सी ये भी जानते चलिए कि अगर मान लो दो संख्याओं के बीच की प्राकृतिक संख्याएं पूछता है, जब भी अगर मान लो कोई एक संख्या दी गई है ना ए स्क्वायर, देखो बहुत ध्यान से नोट करके इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, आपने नोट करके लिख लीजिएगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या, के बीच प्राकृतिक संख्या, कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी अगर ये प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स,
अगर ये पूछा जाए कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच कितने नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो इसका बहुत सीधा सा ट्रिक याद रखिएगा, और ये होता है हमेशा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी दिया रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो भी आएगा माइनस वन कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन कर लेना। अब तो ये कौन सी बात हुई, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 43 के स्क्वायर और 44 का स्क्वायर, है ना, इनके बीच कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो इनके बीच हमेशा यही याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के नंबर्स होते हैं तो ये क्या होते हैं कि अगर इसके बारे में देखो, दो लगातार नंबर्स के बीच के ही पूछेगा, दो लगातार नंबर्स के बीच की बात ही पूछेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि 43 जो 44 है ना, ये अगर ये नहीं समझ में आता तो इस तरह से याद रख लेना कि हमेशा ये इस फॉर्मेट में होगा, ए प्लस बी माइनस वन, ठीक, इनके बीच जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमेशा इसमें होंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 44 प्लस 43 ये हो जाएगा 44, ठीक, 43, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस वन कर लेंगे। अब इसी को जोड़ लो भैया, तो 44 एंड 43 अगर ऐड करते हो कितना होता है, 87, कितना हो जाएगा 87 ना, तो 87 माइनस वन कितना हो जाएगा 86, तो इनके बीच कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, 83 नेचुरल नंबर्स होंगे। बताओ बात आई समझ में, इतनी सभी को समझ में आ गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ये आप नोट्स बनाकर रख लो, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाली है। हम लोग इसके बाद है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और उसके बाद जो नवोदय में आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आज की क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो इसलिए टारगेट रहेगा 100+ लाइक्स का, और हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के। तो हमारे सुरवीर जो हमारी फैमिली है वो 10K होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कराइए, है ना, जितने भी लोग सोच सके लोगों को बताइए, लोगों के मोबाइल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई भी किसी भी चीज़ का कोई भी फीस, कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो चलो बच्चा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हुई क्लास, फिर हम मिलते हैं, चलिए अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।